कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अजय माकन ने गुरुवार को दिल्ली पार्टी हेडक्वार्टर में सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आधे घंटे में तीनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने का मुद्दा उठाया। तीनों नेताओं ने कहा कि हमारे खाते फ्रीज करवाकर फ्री फेयर इलेक्शन की बात कैसे हो सकती है। खड़गे ने कहा, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाए और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले। ईडी, आईटी और अन्य स्वतंत्र संस्थाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में चुनावी बॉन्ड को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं, उससे देश की छवि को ठेस पहुंची है। सभी के पास समान रूप से संसाधन हो, ये नहीं कि जो सत्ता में है उनका रिसोर्सेस पर मोनोपोली हो, ये नहीं कि उनका मीडिया पर एक अधिकार हो, ये नहीं कि सत्ताधारी दल का संवैधानिक तथा न्यायिक संस्था जैसे आईटी, ईडी, इलेक्शन कमीशन, इन अपने दूसरे ऑटोनोमस बॉडीज पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण हो। दुर्भाग्य से जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकलकर सामने आए, वो बहुत ही चिंताजनक है, शर्मनाक भी है, क्योंकि इससे हमारे देश के छवि को ठेस पहुंची है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, किसी कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने चू तक नहीं की, किसी ने कुछ नहीं कहा। हमें देश के 20% लोगों ने चुना है, हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस के बैंक खाते नहीं, देश के लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है। हमारे देश में लोकतंत्र है ही नहीं। एनीबॉडी इन द कंट्री इमेजिन्स व्हाट हैपेंस व्हेन योर बैंक अकाउंट, योर एटीएम कार्ड, योर एंटायर फाइनेंशियल आइडेंटिटी इज इरेज्ड, राइट? यू कैन इमेजिन, इफ इट इज डन टू अ फैमिली, द फैमिली विल स्टार्व टू डेथ। If it is done to a business, the business will be crippled. Right? This is what has been done to the Congress Party 1 month back. All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway train. And this has been done literally 2 months before the election campaign. Why has it been done? One notice comes from the 90s, another notice comes from 6-7 years ago. Quantum amount, 14 lakh rupees. And punishment, our entire financial identity. Right? What's interesting to me is that there are institutions in this country that are supposed to protect the democratic framework. There are the courts in the country, there's the election commission in the country, right? And nothing is happening. The election commission has not even said, wait a minute, you have frozen the bank account of the largest, of one of the biggest political parties, largest opposition in the country. And already, our ability to fight the election has been damaged. We've already lost a month. As Makanji said, we are unable to get slots for advertising. We are unable to put ads in newspapers. And so what sort of a democracy is this? This is a criminal action on the Congress Party. And it's a criminal action done by the Prime Minister and the Home Minister. It's very clear.